ट्रीट जिम जैम के क्रीमी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बर्फी के मिठास से भरपूर हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रॉबेरी बर्फी सैंडविच। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है ब्रिटानिया डेजर्ट कार्निवल में। आज मैं बनाने जा रही हूं एक नए तरह की सैंडविच। जी हां, आज मैं बनाने जा रही हूं स्ट्रॉबेरी बर्फी सैंडविच। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उस पर एक पैन रखेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। तो पनीर को ऐसे या तो ग्रेट कर ले या फिर उसके क्रम्स बना ले। पनीर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। इसे आप इस स्पैचुला से मिक्स करते रहें ताकि चीनी और पनीर जो है वो जले नहीं। तो पहले इसको मिला दें और उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सिरप यूज़ किया है, तो यहाँ पे ये सिरप डाल दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये मिल्क पाउडर डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे दूध डाल दें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे। केसर इसमें ऑप्शनल है, तो यहाँ पे ये केसर डाल देती हूँ मैं। अब इन सबको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ऐसे मिला दे पहले सबको। आप इसमें पनीर की जगह मावा का भी यूज कर सकते हैं। तो चंकी स्टिप ऑफ द डे ये है कि अगर आप इसमें पनीर की जगह मावा यूज करें तो चीनी की क्वांटिटी जो है वो थोड़ा कम यूज करें और मिल्क पाउडर ना यूज करें। तो इसे मैं पका लेती हूँ। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। आप देखिए इसका टेक्सचर जो है वो ऐसा आ गया है जैसा हम बर्फी का बनाते हैं। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद एक मिक्सचर बनाएंगे। तो मिक्सचर बनाने के लिए यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल लेंगे। इसके बाद हम इसमें यहाँ पे ट्रीट जिम जैम बिस्किट लेंगे और उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे बटर। तो यहाँ पे मेल्टेड बटर। तो यहाँ पे इन दोनों को हम मिला देंगे। सैंडविच के फ्लेवर को और भी क्रीमी बनाता है ट्रीट जिम जैम का वनीला क्रीम और उसकी स्ट्रॉबेरी जैम टॉपिंग। तो इसे हम मिला देंगे। तो यहाँ पे हमने बिस्किट और बटर को मिला लिया है अच्छे से। इसे हम अलग रख देंगे और पैन में जो हमने ये मिक्सर बनाया है इसमें हम ये पिस्ता डाल देंगे। मिला दें इसे अच्छे से। तो ये हमारी सैंडविच की स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं मीठी वाली एकदम डिलीशियस सैंडविच बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक टिन लिया है। तो टिन के जो बेस में हम सबसे पहले ये जो बिस्किट का चूरा है ये इसकी एक लेयर लगाएंगे। उसके बाद इसे आप हथेलियों से ऐसे स्प्रेड कर दें और बेस में अच्छे से सेट कर दें। बहुत ही पतली लेयर होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पे हमने बिस्किट को अच्छे से सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर ये जो पनीर का मिक्सचर बना के रखा है ये इसके सेंटर में डाल देंगे। उसके बाद वापस बिस्किट की एक लेयर बिछाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये पनीर का जो मिक्सचर बनाया था वो बिस्किट के ऊपर एक लेयर लगा दी उसकी। तो यहाँ पे इसे बराबर कर दिया मैंने। अब हम ये जो मिक्सचर है वापस इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे ये बिस्किट वाले मिक्सचर को मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसे वापस इसके ऊपर की लेयर को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। तो मैं इसे हाथों से अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो ये हमारा सैंडविच बर्फी की जो लेयर है वो एकदम प्रॉपर बैठ गई है। अब हम इसे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए आप इसे फ्रिज में आधे घंटा के लिए रख दें। तो मैं ले जाती हूँ इसे फ्रिज में रखने के लिए। तो आधे घंटा हो चुका है और ये हमारी सैंडविच बर्फी जो है वो सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसे मैं निकाल दूंगी इसमें से। तब चलते हैं इसे कट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बर्फी को कट कर लिया है। अब हम इसे निकाल देते हैं प्लेट में। मैं इसे पहले प्लेट में रख देती हूँ। तो ये हमारी स्ट्रॉबेरी बर्फी सैंडविच रेडी हो चुकी है। आप इसे शेयर करके खाएं तो इसका फन डबल हो जाएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही डिलीशियस ब्रिटानिया डेजर्ट कार्निवल की रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें।